एक सॉल्यूशन मुझे तो लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और लोअर लेवल से एकदम रिकवर किया है ये स्टॉक, मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी काफी ऊपर जा सकता है। मेरे तरफ से तो पहले भी मैंने इसमें खरीदारी का सलाह दिया था, अभी भी मैं मेरा व्यू बरकरार रख रही हूँ। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 70-75 का मिनिमम टारगेट के लिए यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है। 62 के आसपास स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी, अगर शॉर्ट टर्म का पोजिशन है तो 62 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 70-75 का जो रिसेंट हाईज बना है वो हाई पहले क्रॉस हो जाए उसके बाद नया टारगेट्स भी देने को मिलेगा। ये पूरे ऑटो पैक में एक स्टॉक जहां पे आज ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और यहां पे और बाइंग आता हुआ दिख सकता है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर पे खरीदारी किराए 310 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें टाटा मोटर में अभी 8 रुपया 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी किराई होगी, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 6 रुपए पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 13 से 14 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो टाटा मोटर का 310 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी किराए।